गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं अपना टॉपिक सीज़न, और सीज़न में हम पढ़ रहे हैं समर सीज़न। जैसे कि आपको बताया गया था कि कौन कौन से सीज़न होते हैं, तो अब हम समझते हैं समर सीज़न के बारे में, जिसके ऊपर ऑनलाइन क्लास में भी आपको काफ़ी कुछ बताया जा चुका है। तो चलिए इसको एक बार और समझते हैं। मंथ ऑफ समर सीज़न अप्रैल, मई एंड जून। बच्चों, समर सीज़न के मंथ कौन कौन से हैं? देखिए, आपको ध्यान रखना है अप्रैल का महीना, मई का महीना और जून का महीना, ये 3 मंथ हमारे हैं समर सीज़न के। द वेदर रिमेन्स हॉट, और क्या होने लगता है इसमें? मौसम जो है गर्म होने लगता है। हॉट एंड ड्राई विंड्स कॉल्ड लू। बच्चों, आपने लू का नाम तो बहुत सुना होगा, है ना? जब मम्मा कहती है बाहर मत निकलो, लू लग जाएगी, लू चल रही है, अभी लू होती क्या है? हॉट एंड ड्राई विंड्स कॉल्ड लू। गर्म और जो सूखी हवा चलती है उसको क्या कहते हैं? लू। ठीक है, तो लू ब्लोज इन द आफ्टरनून। और लू समर सीज़न में कब चलती है? आफ्टरनून में चलती है, अर्ली मॉर्निंग नहीं चलती है। दोपहर के बाद लू चलनी शुरू होती है, इसीलिए कहते हैं दोपहर में मत निकलिए, अगर निकलते हैं तो छाता लेके निकलो, खूब पानी पी के निकलो, सर ढक के निकलो। ठीक है, चलिए। वी वेयर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स। ठीक है, अब आप क्या पहनते हैं? हम समर्स में हल्के कलर के कॉटन के क्लोथ्स पहनते हैं, क्योंकि कॉटन हमारी बॉडी को कूल रखता है। वी लाइक टू ड्रिंक एंड ईट कूल आइटम्स। सबको पता है समर सीज़न में बिल्कुल भी गर्म चीज़ें खाने का मन नहीं करता। ठीक है, क्या मन करता है? वी लाइक टू ड्रिंक एंड ईट कूल आइटम, ठंडी ठंडी चीज़ें खाने को और पीने को हमारा मन करता है। फ्रूट्स ऑफ द समर सीज़न कौन कौन से हैं? मैंगो है, वाटरमेलन है, मस्क मिलन है और लीची है। ठीक है बच्चों, तो खूब अच्छे से इन फ्रूट्स को इन्जॉय करिए और समर सीज़न में अपना अच्छे से ध्यान रखें। अब तो समर सीज़न जा चुका है और हमारा अगला सीज़न स्टार्ट हो चुका है, जिस पर हम अगली वीडियो बनाएंगे। तो आपका जो काम है, आप इस काम को अपनी नोटबुक में लिखेंगे और याद भी करेंगे। चलिए, ओके बच्चों, अपना ध्यान रखिए।